तफसीत के मुताबिक गुजशत हफ्ते अमरीकी वजे दिफा लाइड ऑस्टन ने सिंगापुर में सालाना शंगरीला डायलॉग सिक्योरिटी सरबराही इजलास के मौके पर चीनी रियाती कौंसलर और वजीर दिफा के साथ मुलाकात में धमकी आमेज जुमलों का तबादला किया ऑस्टन ने खबरदार किया की कि बीजिंग ताइवान को मजीदम इस्तेकाम का शिकार करने ऐसी बाज रहे जिस पर चीनी हम मनसब ने सख्त रदल का मुजाहरा करते हुए खबरदार किया की चीन हर कीमत आरोप आखिरी हद तक लड़ेगा चीनी वजे दिफा ने दो टोक अल्फाज में कहा अगर ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की गई तो इनके मुल्क के पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं ख्याल रहे कि हालिया दिनों में ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं अमेरिका की तोसी पसंदाना इकदाम से एशिया पैसिफिक मिलिट्री जोन में तब्दील हो गया है ताइवान के तहफ के नाम पर अमरीका ने चीन को काउंटर करने के लिए बाहरी हथियार नस्ब किए हैं जिससे खिते में एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है